हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे प्रोटोनिक्स का जो कीबोर्ड प्लस माउस कॉम्बो है उसको कैसे सेट करते हैं, सेट कर मतलब लैपटॉप के साथ कैसे सेट करेंगे वो हम दिखाएंगे। तो एकदम फर्स्ट से हम दिखाएंगे, ये हमने फ्लिपकार्ट से ख़रीदे थे। तो ये है उसका जो कीबोर्ड है, ये एंड इसका माउस इसके साथ है यहाँ पे। ये बोला माउस, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो ये माउस है, इसके अंदर यहाँ पे हमको एक बैटरी डालना होगा एंड इसके साथ यहाँ पे जो नैनो चिप होता है वो यहाँ पे है। ये इसका नैनो चिप, इसको हम हमारा जो लैपटॉप है उसमें ऐड करना होता है। उसके बाद ये दोनों जो हमारे कीबोर्ड एंड माउस जो है वो काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले और इसके पीछे यहाँ पे भी बैटरी डालने का जगह है। यहाँ पे हम यहाँ पे दो पेंसिल बैटरी लगाना होगा, जिसका साइज़ ए वाला जो बैटरी है इसको हमें माउस में लगाना होगा एंड दो जो उससे भी पतला बैटरी होगा उसको हमें यहाँ पे दो डालना होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम सेटअप करके फिर लैपटॉप में ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम जो कीबोर्ड है उसमें बैटरी लगाएंगे। एंड उसके बाद जो माउस है उसमें लगाएंगे। यानी कि माउस सिग्नल देने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसको हम जस्ट सेटअप करेंगे एंड उसके बाद हमारा जो नैनो चिप है इसको हम लैपटॉप के साथ ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये रेडी हो गए हमारे माउस एंड कीबोर्ड एंड अभी हम जो हमारे लैपटॉप है उसमें ऐड करेंगे। ऐसे ऐड करना होगा। एंड हमने यहाँ पे ऐड किए हैं जो नैनो चिप है एंड ऐड करने के बाद हमारा जो माउस होगा माउस को यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन ऑफ का बटन है। तो हमें इसको ऑन करना होगा, तो ऑन करने के साथ ही ये सिग्नल देगा एंड दिस इज़ रेडी फॉर वर्क, ओके। एंड यहाँ पे जो कीबोर्ड है कीबोर्ड में भी आप देख सकते हैं, अब आपको दिखा देते हैं कि कोई भी अगर हम काम करें तो कैसे करते हैं।
पे से एच शीट पे हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे यहाँ पे टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको सेटअप करना होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।